हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है इंडिया की सबसे बड़ी सरकारी नौकरी चैनल संदीप ज्ञान पे। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम फिर से आप लोगों के लिए एक सरकारी नौकरी लेके आए हैं जो इस बार निकल रही है फायरमैन की पोस्ट के लिए। यदि आप 10वीं पास हैं तो फायरमैन की पोस्ट प्राप्त कर सकते हैं। तो कैसे इसमें फॉर्म अप्लाई करेंगे, इस वीडियो में आपको पूरी डिटेल्स मिल जाएगी। तो सबसे पहले इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना। तो सबसे पहले बेसिक जानकारी हिंदी में दिखा देते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। इसके बाद ऑफिशियल नोटिफिकेशन। फायरमैन के पद पर आई ये जो है बड़ी भर्ती प्रक्रिया निकल के आई है और ये 2020 की लेटेस्ट वैकेंसी निकल के आ गई है। फायरमैन के पदों पे ये वैकेंसी आपको मिल रही है। तो यहाँ दोबारा आप जो लोगों को बताया गया है पोस्ट नेम फायरमैन की पोस्ट आप यहाँ इसमें देख सकते हो। एजुकेशन क्वालिफिकेशन यानी कि इसमें 10th पास रखी गई है। यदि आप 10वीं पास है तो इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, कम से कम एजुकेशन क्वालिफिकेशन इसमें जो आपकी रखी गई है 10th पास रखी गई है। और इसी के साथ साथ इसमें हाइट क्या रखी गई है, हाइट 165 सेंटीमीटर रखी गई है और सीना आपका 79 to 84 सेंटीमीटर यहाँ रखा गया है। तो फ्रेंड्स, इसमें नॉर्मली आपका सीना है, नॉर्मली आपकी इसमें हाइट है। ठीक है, तो आप आसानी से तो फिजिकल तो फिट है, फिजिकल आप मापदंड फिट है यानी कि फिजिकल फिट है। 165 सेंटीमीटर नॉर्मल कैंडिडेट्स की हाइट है और जो चेस्ट है 79 to 84 सेंटीमीटर नॉर्मली हर स्टूडेंट का रहता है। और इसके साथ साथ ये सेंटीमीटर आप लोग देख सकते हो। इंच में भी हम आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन के माध्यम से इंच में बता देंगे। यदि आपको ये नहीं पता है कि सेंटीमीटर में कितना यहाँ हाइट है हमारी, तो हम आपको इंच में भी इसकी जो है जानकारी दे देंगे। और ये जो फॉर्म है ऑनलाइन भरना है, ऑनलाइन गवर्नमेंट की, सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसी है। हम क्लियर कर देते हैं आपको, यहाँ क्लियर कर देते हैं। यहाँ ये जो है केंद्रीय सरकार की वैकेंसी है, केंद्र सरकार की वैकेंसी है, केंद्र सरकार की वैकेंसी है। फ्रेंड्स, बात कर लेते हैं ऑनलाइन फॉर्म आपको भरना है, ऑनलाइन फॉर्म भरना है वो भी हम आपको बताएंगे कि ऑफिशियल वेबसाइट से। और इसी के साथ साथ बात करेंगे वेतनमान की, तो वेतनमान 19,040 रुपये प्रति माह आपको इसमें वेतन मिलेगा। सरकारी नौकरी है ये, आप लोगों को एक सरकारी नौकरी मिलेगी। यहाँ अलग अलग आपका वेतन रखा गया है। ठीक है फ्रेंड्स, प्रारंभिक वेतन आपको जैसे ही आप इसमें ज्वाइनिंग कर लोगे तो आपका वेतन है यहाँ 19,440 रुपये इसमें प्रारंभिक वेतन रखा गया है। इसके साथ साथ बात करें राष्ट्रीयता की, तो भारत का कोई भी नागरिक इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकता है यानी कि सभी राज्य यहाँ इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, अभ्यर्थी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, सभी राज्यों के अभ्यर्थी इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और आयु सीमा की बात करें तो 18 से लेके 28 वर्ष SC ST OBC के लिए 32 ईयर्स के जो कैंडिडेट्स हैं वो फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और यदि आप अक्स सर्विसमैन हैं तो यहाँ 38 साल तक आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। बात करें चयन प्रक्रिया की, तो चयन आपका इसमें होगा लिखित परीक्षा, लिखित परीक्षा के बाद आपका फिजिकल इसमें लिया जाएगा, फिजिकल लिया जाएगा। और इसमें शारीरिक मापदंड जिसमें आपको मैंने हाइट वगैरह बताई है वो आपकी नापी जाएगी। यहाँ दौड़ वगैरह कुछ है नहीं, इसमें आपको दौड़ नहीं करनी पड़ेगी। फ्रेंड्स, यहाँ क्लियर कर देते हैं, आपको हाइट बार से गुजरना है, हाइट बार से गुजरने के बाद आपका चेस्ट है वो नापा जाएगा। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले बात कर लेते हैं फॉर्म कब से स्टार्ट होगा। ओपनिंग जो है ऑन वेबसाइट अप्लाई ऑफ ऑनलाइन अप्लाई जो होगा 1 जनवरी 2020 से 6 फरवरी 2020। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि आपका इसमें फॉर्म यानी कि 1 जनवरी यानी कि नए साल के दिन से फॉर्म भरा जाएगा। और पेमेंट जो डेट है वो भी सेम डे क्लोज है, जैसे कि बात करें 8 तारीख का मित्रों, यहाँ जो पेमेंट जो ऑनलाइन क्लोजिंग डेट रहेगी वो भी 8 फरवरी रहेगी। और टेंटेटिव जो है ऑनलाइन एग्जाम होगी वो 2020 में होगी इस भर्ती प्रक्रिया के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, अब बात करते हैं वैकेंसी आप लोगों को कहाँ से मिल रही है। तो वैकेंसी आपको सिक्योरिटी प्रिंट्स प्रेस हैदराबाद से वैकेंसी आप लोगों को मिल रही है, प्रेस बैंक से ये वैकेंसी आप लोगों को मिल रही है। इसमें देख सकते हो यहाँ इनवाइटेड ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर द इंडियन सिटीजन फिलिंग द वेरियन पोस्ट ऑफ द डिटेल्स गिविन। बात करें यहाँ फायरमैन की भी पोस्ट है, आपको यदर पोस्ट भी मिल रही है। तो यहाँ अलग अलग पोस्ट आप लोगों को बताई गई है। तो प्रथम पोस्ट जैसे कि जूनियर टेक्नीशियन प्रिंटर की वैकेंसी आप लोगों को मिल रही है और फायरमैन की वैकेंसी आप लोगों को मिल रही है। तो फ्रेंड्स, ये वैकेंसी आपको इस भर्ती प्रक्रिया में मिल रही है। सीधा इसकी ऑफिशियल वेबसाइट दिखा देते हैं ताकि आप फॉर्म अप्लाई आसानी से कर सकें। तो अभी फ्रेंड्स आप ये देख सकते हो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है,
इस वेबसाइट पे जाके आप डिटेल्स प्राप्त कर सकते हैं 1 जनवरी के बाद। 1 जनवरी के बाद ये डिटेल्स आप प्राप्त कर सकते हैं, पहले डिटेल्स आप प्राप्त नहीं कर सकते। 1 जनवरी 2020 तक आइए जो है जानकारी ऑफिशियल वेबसाइट पे डाल दी जाएगी। तो ये था आज का हमारा लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब नोटिफिकेशन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही लेटेस्ट जॉब के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।